Assalamualaikum friends, welcome to my channel. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम फिर हाजिर हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं चिकन कोफ्ता रेसिपी। हम अक्सर चिकन के कोफ्ते बनाते हैं तो बहुत सी परेशानी पेश आती है, जिसमें शामिल है कोफ्ता टूट जाता है, कोफ्ते में गुठली रह जाती है, कोफ्ता कच्चा रह जाता है। तो आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करूँगी उसमें इस तरह की कोई भी परेशानी बाकी नहीं रहे। वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली मजीद रेसिपीज आपको मिल सके। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ आधा पाव चिकन का कीमा। इसके अलावा इसमें हम जिन मसाला जात को शामिल करेंगे उनमें शामिल है एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसके अलावा सूखा धनिया हाफ टी स्पून या वन टी स्पून भी डाल सकते हैं, नमक हसबे ज़रूरत, सूख मिर्च एक वन टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, लहसुन के जो तकरीबन आपने तीन पीस इस्तेमाल करने हैं, ज़ीरा, सौंफ का पाउडर। इन तमाम अज़ा को आप अलग से भी पीस सकते हैं चॉपर में। इसके अलावा आप इन्हें इस तरह से पत्थर के सिलवटे में इस तरह ट्रेडिशनल साइज से भी इसे आप कूट सकते हैं। इस तरह फ़ायदा रहता है आपका कीमा जो है उसका रेशा रेशा जो है वो आपस में जुड़ जाता है, जिसकी वजह से आपके लिए काफ़ी आसानी रहती है, आपका कोफ्ता टूटता नहीं है। आप चाहें तो आप इसे चॉपर से भी निकाल सकते हैं। आपका जिस तरह इजी फील होता है आप उस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तमाम मसाला जात को डालकर इसमें अच्छी तरह से कोट लूँगी। आप देख सकते हैं पीसने के बाद इनका कलर भी चेंज हो चुका है और कोफ्ते का तमाम कीमा जो है वो अच्छी तरह से यकजा हो चुका है। इस तरह से इसके रेशे आपस में जुड़ जाए। अब हम इनके कोफ्ते तैयार करेंगे। इसके लिए मैं एक प्लेट ले लेती हूँ और हाथ को ग्रीस करने के लिए मैं ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। हाथ पर ऑयल की ग्रीसिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका कोफ्ता आपके हाथ से चिपके नहीं, आपका कोफ्ते की शेप जो है वो ख़राब ना हो। इस तरह से मैं इतने से ऑयल इस्तेमाल करूँगी। इस तरह हाथ पर हल्का सा घी आप लगाकर इस तरह से बहुत स्मॉल सा इसका पीस आपने इसमें लेना है, क्योंकि हमने इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है उसके बाद हमारे कोफ्ते फूल जाएंगे, इसलिए आपने मिनी साइज़ का बॉल इसके लिए रेडी करना है। इस तरह से हाथ में आप इसे उछालते हुए इसकी एयर्स को है रिलीज़ कर सकते हैं। रिलीज़ करने से इसकी एयर ये ईजीली जुड़ जाएगा और टूटेगा नहीं। इस तरह से इसे हाथ पर दबाइए, आपकी बॉल की शेप तैयार हो जाएगी। देन इसके बाद इसकी एयर रिलीज़ कीजिए और अब इस बॉल की शेप को कंप्लीट करते हुए आपका कोफ्ता तैयार है। तो चलिए मैं कोफ्ते की प्लेट को तैयार कर लेती हूँ। तो हमने आधा पाव कीमे के साथ 6 to 8 सर्विंग पर्सन के लिए कोफ्ता तैयार कर लिए हैं। मैं इन्हें ना ही फ्राई कर रही हूँ ना ही इन्हें उबालूंगी, मैं इनके मसाले में ही इन्हें पकाऊंगी। ना तो किसी किस्म की इसमें स्मेल रहेगी ना कच्चापन। इसके मसाले के लिए आपको चाहिए होंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें आपने इस तरह से कटिंग कर लेना है। इसके अलावा 3 स्मॉल साइज़ के टमाटर, आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें जिन मसालों को शामिल करेंगे उसमें शामिल है लहसुन, लौंग, दालचीनी, बादिया खटाई, तेज़पत्ता, सूख मिर्च, अजवाइन, काली मिर्च, हल्दी और ज़ीरा। इसके अलावा हम खाने में शामिल करेंगे 1 प्याली घी। इसे अच्छी तरह से हम गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन। आप लहसुन को पेस्ट की शक्ल में भी यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कीमा है लग भी सकता है, इस वजह से मैं पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं साबुत लहसुन का इस्तेमाल करूँगी जिसे मैं पीस लूँगी। अब हम इसमें शामिल करते हैं अपना लहसुन। इस तरह से लहसुन को आपने 2 टुकड़ों में कटिंग कर लेना है। इस तरह से अब आप इसे ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। कलर चेंज होने से पहले आप इसके अंदर प्याज डाल लीजिएगा। इस तरह अभी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, ये ऑयल में गर्म हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। अब प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसे अच्छी तरह से फ्राई कीजिए।
प्याज के हल्का गोल्डन ब्राउन होने पर आप इसके अंदर साबुत मसाले जो हैं उन्हें शामिल कीजिए ताकि उनका अरोमा अच्छी तरह से हांडी में शामिल हो सके। तरह से तमाम बाकी के मसाला जात को हम बिल्कुल लास्ट में इसमें शामिल करेंगे। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, इन्हें पकने के लिए छोड़ दीजिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। क्योंकि तमाम अज़ा अच्छी तरह से ऑयल में पक चुके हैं तो अब हम इसके अंदर तमाम मसाला जो शामिल करेंगे। इसमें सुर्ख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया शामिल है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी हाफ कप पानी ताकि ये मसाला अच्छी तरह से गल सके। इसे ढककर आप तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए हल्की आँच पर ताकि ये अच्छी तरह से पीस सके। आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट के बाद हमारा मसाला पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं। मसाला आपने अच्छी तरह से पीसना है। घी यानी कुकिंग ऑयल के आने तक मैं इसे अच्छी तरह से पीसूंगी ताकि ये अच्छी तरह से पीस सके और तमाम मसाला जो है उनका अरोमा अच्छी तरह से मसाले में शामिल हो सके। आप देख सकते हैं मसाले ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, मसाले ने किनारे भी कढ़ाई के छोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अब आप इसके अंदर अपने कोफ्तों को शामिल कर सकते हैं। इस तरह से आपका मसाला मुकम्मल तैयार हो चुका है। इस तरह अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कोफ्ते। आपने कोफ्तों को डालते ही इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना है, आपने इसमें 2 घूंट पानी का इस्तेमाल करना है और इसके बाद आपने बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ कोफ्तों को सिर्फ सेट करना है और कपड़े की मदद से देची को या जो कढ़ाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे इस तरह से हिलाइए ताकि आपके कोफ्ते जो है वो बिना टूटे बहुत ईजीली अपनी सेम शेप में रहते हुए तमाम मसाले में मिक्स हो सकें। अब मैं इसे तो से 5 मिनट के लिए इसी तरह ढक कर रख दूँगी। आप देख सकते हैं मसाले में अच्छी तरह से हमारे कोफ्ते पक चुके हैं। मसाले में कोफ्ते पकाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके कोफ्तों का और मसाला जो आप बना रहे हैं, ग्रेवी जो बना रहे हैं, उसका मसाला डिफरेंट ना आए, बिल्कुल सेम टेस्ट आपको दोनों का महसूस हो। इसे 2 से 3 मिनट में और पकाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह से मसाले में पक सकें। आप देख सकते हैं हमारा कोई कोफ्ता नहीं टूटा है, हमारे तमाम कोफ्ते बिल्कुल सेम शेप में मुकम्मल और साबुत हैं। कोफ्तों को अच्छी तरह से पकाने के लिए अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 से 1/2 कप पानी का और इन्हें अच्छी तरह से ढक कर छोड़ दूंगी पकने के लिए। तकरीबन 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते कितने अच्छी तरह से फूल चुके हैं और ये बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं फूलने के बाद भी हमारे कोफ्ते टूटे नहीं हैं। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से पकाऊंगी। आप देख सकते हैं हमारे कोफ्तों का मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। तो चलिए इसकी रिक्वायर्ड ग्रेवी रखते हुए मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार चिकन कोफ्ता रेसिपी तैयार है। मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ बारीक कटी अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च और हरा धनिया के साथ। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। हमारी आज की रेसिपी यहीं पर मुकम्मल होती है। अपने घर पर बनाइए कोफ्ते को इसी रेसिपी के अकॉर्डिंगली बनाइएगा ताकि आपके कोफ्ते कभी भी ना टूटे। आप इन्हीं कोफ्तों को फ्राई करने के बाद अच्छी तरह से फ्रीज भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड बेहद पसंद आया होगा।
फिर मिलेंगे एक मजीद मज़ेदार और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बेहद ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आने वाली मजीद मज़ेदार एपिसोड्स आपको मिल सकें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए ताकि आपके फीडबैक से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। मज़ीद मज़ेदार रेसिपी के साथ हम फिर से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।